तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूनम पंडित जी, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, ब्राह्मण को लेकर तमाम बातें आज यहाँ इस मंच से कही गई हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की बातें भी यहाँ हुई हैं, लेकिन इसी देश में सनातन को अपमान भी इस देश में हो रहा है। ब्राह्मणवाद पर सवाल उठ रहा है। देखिए, अगर ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणवाद होता तो वो आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा ना करके वो रावण प्रख्यात पंडित थे उनकी करता और कृष्ण को नहीं पूजा जाता। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण के अंदर वाद है, ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं जानबूझ करके, अगर इस देश में किसी को ज़्यादा फेमस होना है, ज़्यादा वायरल होना है, तो वो जा करके जो है ब्राह्मण के लिए बोल दे, कितना आसान है ना। लेकिन फिर भी ब्राह्मण कुछ नहीं कह पाता। तो हम लोग शुरू से ही जो एक व्यवस्था बनाई हुई है चार वर्णों के आधार पर, जो हमारा जो चलता है सिस्टम, जो चला आ रहा है आज तक, आपने पढ़ा होगा गीता में लिखा, चार वर्ण के आधार पर देश सनातन संस्कृति चल रही है, तो उसको जो खराब करने की कोशिश की जा रही है उसके कर्म के आधार पर उसको काम बांटे गए थे। ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, और श्रीमद् भागवत गीता किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी, वेद व्यास जी ने लिखी जो नॉन ब्राह्मण थे। तो ये चीजें खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये चीजें हमें समझनी होगी, आपको समझनी होगी, क्योंकि ब्राह्मण वो है जिसने इस देश को शस्त्र का और शास्त्र का ज्ञान दिया है। चाणक्य जैसे नीतिकार हमारे जो ब्राह्मण समाज से ही रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोच करके आदित्य को नहीं बनाया था कि वो ब्राह्मण है। आपको पता है वो ब्राह्मण नहीं थे, उनको बनाया ने ऐसे कितने लोगों को ज्ञान दिया है। ये सब चीजें जानबूझ करके की जा रही है, क्योंकि लिपियों को और संस्कृतियों को बचाने में ब्राह्मण का सबसे बड़ा योगदान है। जिस विचारधारा से आप आती हैं, सेकुलरिज्म की विचारधारा, गठबंधन की विचारधारा, उसी गठबंधन की विचारधारा में लोग हैं वो जो कहते हैं कि सनातन कुछ नहीं है, हिंदू चोर और नीच है। देखिए, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती, बिल्कुल साफ शब्दों में बोल देती हूँ। मैं अगर किसी के धर्म का सम्मान करना जानती हूँ तो अपने धर्म के लिए अच्छे से बोलना भी जानती हूँ और उसकी खिलाफत भी करना चाहती हूँ जो मेरे धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा। सीधी बात है, हमें यह सिखाया गया, सेकुलर है हम लोग, ये सिखाया गया कि इस देश के सभी वासी हैं, इस देश के सभी वासिंदे हैं, सभी समान है, सभी के लिए अधिकार है। लेकिन बात जब यहाँ अपने धर्म की आ जाती है तो ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं कि आप हमारे धर्म के लिए कुछ बोलें, क्योंकि हम जब आपके लिए कुछ नहीं बोलते हैं तो आप भी हमारे लिए नहीं कुछ बोल सकते। फिर सब जगह हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है, आप मानते हैं? देखिए, मैं स्टालिन के बयान से भी इत्तेफाक नहीं रखती, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से भी इत्तेफाक नहीं रखती, कोई व्यक्ति नहीं रखता, ये उनके अपने पर्सनल बयान है। कभी कभी होता है ना कि आदमी को ज्यादा अपना कुछ करना होता है तो इस तरीके के बयान दे, तो जाकर के सनातन को पकड़ लो, जाकर के ब्राह्मण को पकड़ लो, इसी तरीके की चीजें होती है ना। अच्छा बताइए कि हिंदू को लेकर बहुत बात हो रही है, आपको लगता है कि देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है, क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र हम किसे कहते हैं? जिस देश में जिसकी आबादी ज्यादा होती है, ये सबको पता है ना, तो फिर इस चीज पे चर्चा क्यों? यानी कि हिंदू राष्ट्र है आप ये कह रहे हैं? ऑलरेडी अभी ने अपने देश के आधार पे सब कुछ जनसंख्या के आधार पर होता है, ये सबको पता है। लेकिन इस पे राजनीति करना, अनर्गल बातें करना, अननेसेसरी बातें करना, ये गलत है, इसके हम खिलाफ हैं। इस देश में जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान को हम मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने अगर संविधान दिया तो हमने उसको अपनाया, हमारे बुजुर्गों ने अपनाया, पंडित नेहरू जी ने सम्मान किया है, इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। देश के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जी थे और इस देश की व्यवस्थाओं, लोकतंत्र को चलाने में अंबेडकर जी का जितना योगदान है उससे कई गुना ज्यादा आपका और हमारा, हम सब का है। आप अपने आप को हिंदू मानती है ना? नहीं, मैं सनातनी हूँ। सनातनी है, हिंदू नहीं, तो फिर अभी हिंदू कोई धर्म नहीं है, शब्द नहीं है। देखिए, हिंदू जितना मैंने पढ़ा है, हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू सिर्फ एक सिंधु नदी पे बसने वाले चंद लोगों को कहा जाता था, चंद लोगों को, लेकिन सनातन विख्यात है। ठीक है, ठीक है पूनम पंडित जी।